तो इस तरह दादी ने छलांग मारी और उनकी हड्डी टूट गई। हाँ, कंप्लीट द टास्क एंड विन 1 लाख रुपीज। देखा तुमने, ये तो बहुत ज्यादा पैसे हैं। अगर मैं ये गेम जीत गई तो मैं तुम्हारे जैसे और भी टॉयज खरीद सकती हूँ। टास्क ये है कि आज रात मुझे बेसमेंट में सोना पड़ेगा अकेले। अरे नहीं, मैं ये टास्क नहीं कर पाऊंगी। क्या हुआ रिंकी, तुम क्या नहीं कर पाओगी? मम्मी, मैं कंप्लीट द टास्क वाला गेम खेल रही हूँ और उसमें मेरा पहला टास्क आया कि मुझे आज रात बेसमेंट में सोना पड़ेगा। अच्छा, तुम वो कंप्लीट द टास्क वाला गेम खेल रही हो क्या? हाँ। लेकिन मम्मी, मैं ये टास्क नहीं कंप्लीट कर पाऊंगी क्योंकि बेसमेंट में चुड़ैल होती है जो कि छोटे बच्चों को उठा के लेके चली जाती है। रिंकी सुनो, भूत भूत जैसी कोई भी चीज नहीं होती है, समझी? लेकिन मम्मी। देखो बेटा, हमें पैसों की जरूरत है। अगर तुमने ये टास्क कंप्लीट कर दिया तो सोचो हमें 1 लाख रुपए मिलेगा, और वैसे भी बस एक दिन की तो बात है, बस एक दिन ही तो तुम्हें बेसमेंट में सोना है। ठीक है। अरे नहीं, बेसमेंट में तो बहुत ही ज्यादा अंधेरा है। चुड़ैल आंटी, प्लीज आप मुझे किडनैप मत करिएगा। एक काम करती हूँ, जल्दी से सो जाती हूँ। रिंकी 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 बेटा उठो, सुबह हो गई है। सच में मम्मी, सुबह हो भी गई, मुझे तो पता भी नहीं चला। हाँ मम्मी, मेरे टास्क कंप्लीट कर दिया, हमें पैसे मिल गए, ये। अरे ये टीना आज नहीं दिखाई दे रही है। रिंकी सच में तुम्हें नहीं पता? नहीं, क्यों, क्या हो गया? टीना कंप्लीट द टास्क वाला गेम खेल रही थी, उसमें उसको टास्क मिला था कि उसको टीचर को थप्पड़ मारना था, और उसने कुछ पैसों के लिए टीचर को थप्पड़ भी मार दिया, इसीलिए प्रिंसिपल ने उसको स्कूल से रेस्ट्रिकेट कर दिया। तब उसको ये टास्क कंप्लीट करना ही नहीं चाहिए था, सिंपल। रिंकी तुम्हें सच में कुछ नहीं पता है रूल के बारे में। क्यों, क्या हो गया, मैंने कुछ गलत बोला क्या? हाँ, एक्चुअली इस गेम को खेलने का एक तरीका होता है। जब हम इस गेम को खेलने के लिए राजी होते हैं तो जो हमें टास्क मिलता है उसे हमें कंप्लीट करना ही करना होता है। अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो हमें प्राइज मनी नहीं मिलेगा, राइट? हाँ राइट, तुमने सही बोला, लेकिन उसके साथ साथ प्राइज मनी जितना अमाउंट हमें इस गेम के हेड को लौटाना पड़ेगा। ऐसा भी होता है क्या? मुझे तो पता ही नहीं था। ऐसा ही होता है, इसलिए तो मैं ये गेम खेलती नहीं हूँ। पता चला पैसे मिलने के बजाय देने पड़ गए। वैसे रिंकी, क्या तुमने ये गेम कभी खेला है? हाँ, मैंने एक बार किया था जब मैं बहुत छोटी थी तब। ओ शिट, हम क्लास के लिए लेट हो रहे, चलो चलते हैं। चलो ओके क्लास, आज के लिए बस इतना ही। मुझे टास्क कंप्लीट करने के लिए 10 लाख रुपए मिलेंगे। रिंकी क्या तुम फिर से ये गेम खेलोगी? मुझे सोचना पड़ेगा। रिंकी तुम्हें प्रिंसिपल सर ने ऑफिस में बुलाया है। हाँ आ रही हूँ। मैं आई कम इन सर, आपने मुझे बुलाया। देखो रिंकी बेटा, हम सबको पता है कि तुम पढ़ने में बहुत तेज हो और हमें प्राउड है कि तुम जैसी लड़की हमारे स्कूल में पढ़ती है, लेकिन तुम्हारी फीस कई महीनों से जमा नहीं है, तो ना चाहते हुए भी हमें तुम्हें स्कूल से निकालना पड़ेगा। सर, आई एम टोटली एग्री विद यू, बट प्लीज सर, आप मुझे एक हफ्ते का टाइम दीजिए, मैं अपनी सारी फीस जमा कर दूंगी। हाँ क्यों नहीं, ठीक है। वो मम्मी, आज मुझे प्रिंसिपल सर ने ऑफिस में बुलाया था। उन्होंने बोला अगर मैंने एक हफ्ते के अंदर अपना स्कूल का फीस नहीं सबमिट किया तो उन्हें ना चाहते हुए भी मुझे स्कूल से निकालना पड़ेगा। देखो रिंकी, मेरी सैलरी आने में अभी 2 हफ्ते बाकी हैं, और अगर वैसे भी मेरी सैलरी आ गई तो उतने में काम नहीं चलेगा, हमें घर के बिल्स भी तो जमा करने हैं। कंप्लीट द टास्क एंड विन 10 लाख रुपीज। रिंकी बेटा, तुम एक काम क्यों नहीं करती, तुम ये गेम फिर से क्यों नहीं खेलती? लेकिन मम्मी, आपको इस गेम के रूल के बारे में नहीं पता, अगर मैं वो टास्क नहीं कंप्लीट कर पाऊंगी तो हमें इस गेम के हेड को 10 लाख रुपए लौटाना पड़ेगा, तब तो और प्रॉब्लम हो जाएगी। तुम चिंता मत करो रिंकी, मुझे पता है तुम ये टास्क कर लोगी। क्या तुम भूल गए जब तुम 8 साल की थी तब भी तुमने एक टास्क कंप्लीट किया था, और अब तो तुम बड़ी भी हो गई हो। ठीक है, एक्सेप्ट। ये हुई ना बात, क्या मुझे सबके सामने गाना गाना पड़ेगा? ओह शिट। अगले दिन, रिंकी रिंकी क्या हुआ, तुम इतनी परेशान क्यों लग रही हो? रिया, कल रात में मैंने कंप्लीट द टास्क वाला गेम खेलने के लिए अग्री किया, और तुम्हें पता मुझे क्या टास्क मिला? क्या? कि मुझे सबके सामने गाना गाना है। ओहो रिंकी, तो क्या हो गया, तुम्हारा टास्क तो फिर भी बहुत इजी है। पता है बहुत लोगों को क्या मिल रहा है? कि जंगल में एक रात बिताओ, अपने क्रश को थप्पड़ मारो, शेर के सामने जिंगल वाला हु करो। इससे अच्छा तो मुझे यही टास्क मिल जाता। क्या? हाँ, तुम्हें नहीं पता कि मैं कितनी बड़ी इंट्रोवर्ट हूँ, मुझसे ये टास्क नहीं होगा। क्लास, मुझे आप लोगों से बहुत इंपॉर्टेंट बात करनी है। जो हमारे स्कूल में एनुअल कंपटीशन होने वाला था उसमें राधिका जो थी हमारी मेन लीड सिंगर थी, लेकिन उसकी तबीयत खराब हो गई है तो वो कंपटीशन में गाना नहीं गा पाएगी। देखो बेटा, अगर ये हमारे स्कूल की बात होती तब कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन इस कंपटीशन में दूसरे स्कूल के भी बच्चे पार्ट ले रहे हैं तो हमारी बेइज्जती हो सकती है। तो क्या कोई यहाँ पे है जो राधिका की जगह पार्ट लेगा? एनीवन? देखो बेटा, जीतने हारने की बात नहीं है, बात ये है कि हम अपने स्कूल को वहाँ पे प्रेजेंट करें। रिंकी, यही अच्छा मौका है, जल्दी से हाँ बोल दे। चुप रहो रिया, मैं मर जाऊंगी लेकिन ये कभी नहीं करूंगी, समझी तुम? अच्छा रिंकी की बच्ची, तुम ऐसे नहीं मानोगी। मैम, रिंकी इस कॉम्पिटिशन में पार्ट लेगी, है ना रिंकी? वाओ, ये तो बहुत अच्छी बात है, वेल डन रिंकी बेटा। और हाँ, लास्ट पीरियड में आ जाना, हमारे पास सिर्फ एक ही दिन है प्रैक्टिस करने के लिए। ओके बेटा? ओके मैम, थैंक यू मैम। एनुअल कंपटीशन वाले दिन, बाप रे, ऑडिटोरियम में तो इतने सारे लोग हैं, अब मैं क्या करूं? रिंकी बेटा, तुम्हारी बारी आ गई, क्या तुम रेडी हो? यस मैम। बेस्ट ऑफ लक बेटा। एवरीवन प्लीज कीप साइलेंस, 3, 2, 1 गो। कंपटीशन की विनर है रिंकी।
थैंक गॉड सब अच्छे से हो गया। कांग्रेचुलेशंस रिंकी बेटा, वेल डन, वी आर सो प्राउड ऑफ यू। थैंक यू सो मच मैम। मुझे नहीं थैंक यू बोलोगी? रिया सब तुम्हारी वजह से हुआ है, थैंक यू सो मच। अरे वाह, मैंने टास्क कंप्लीट कर लिया। yes. ये आज तो दो दो खुशी की बात है, यानी दो दो पार्टियां मिलेंगी। फाइनली सब कुछ अच्छे से हो गया, मेरी स्कूल की फीस भी जमा हो गई और घर के सारे बिल्स भी जमा हो गए। हाँ रिंकी बेटा, तुमने बिल्कुल सही बोला, ऑल थैंक्स टू दिस गेम। क्या मुझे टास्क कंप्लीट करने के लिए 1 करोड़ रुपए मिलेंगे? क्या 1 करोड़? वाह बेटा, जल्दी से एक्सेप्ट कर ले। हाँ, एग्री। लगता है लक्ष्मी माता हमारे ऊपर मेहरबान है। क्या मुझे अपने पापा के साथ एक सेल्फी लेनी है? लेकिन ये कैसे पॉसिबल है? मम्मी मैं टास्क कैसे कंप्लीट करूंगी? मेरे पापा तो मर चुके हैं। रिंकी बेटा, मैंने तुमसे झूठ बोला था, तुम्हारे पापा जिंदा हैं। क्या? लेकिन क्यों? वो रिंकी, तुम्हारे पापा बहुत गरीब थे, जब मैंने उनसे शादी किया था तो उनके पास कुछ भी नहीं था। और तुम बताओ, आजकल के जमाने में पैसों के बिना कुछ होता है क्या? इसे तुम्हारे पैदा होने के बाद मैंने तुम्हारे पापा को छोड़ दिया। मम्मी आपने पैसों के लिए पापा को छोड़ दिया? ऊपर से पूरी जिंदगी मुझसे झूठ बोलती रही कि मेरे पापा मर चुके हैं। रिंकी बेटा, वो सब छोड़ो ना, मैं एक काम करती हूँ, मैं तुम्हारे पापा का नंबर देती हूँ, उनसे बात करो, उनसे कल मिलने चली जाना, और जब उनसे मिल लेना तो उनके साथ एक सेल्फी ले लेना, तुम्हारा टास्क भी कंप्लीट हो जाएगा, तुम्हारे पापा खुश भी हो जाएंगे कि उनकी बेटी उनसे मिलने आई है। मम्मी आप मुझे उनका नंबर दीजिए। हाँ हाँ रुको, अभी देती हूँ। हाँ ये रहा, ये लो उनका नंबर, जाओ उनसे बात कर लो। अरे वाह, क्या तुम अभी उनसे मिलने जा रही हो? बहुत जल्दी। मैं जा रही हूँ हमेशा के लिए घर छोड़ के। क्या? लेकिन क्यों? क्योंकि आपने मुझे धोखे में रखा और आपने पापा के साथ सही नहीं किया। वो सब तो ठीक है, लेकिन तुम जाओगी कहाँ? क्यों नहीं, अब तो मेरे पास पैसे हैं, और वैसे भी ये टास्क कंप्लीट करने के बाद तो मेरे पास और भी पैसे आ जाएंगे, मैं अपने लिए घर ले लूंगी। हाँ वो सब तो ठीक है, लेकिन अपनी प्यारी माँ को प्राइज मनी का आधा पैसा दोगी ना? बोलो बेटा। आपको फूटी कौड़ी भी नहीं मिलेगी, और आपने सही बोला था, ऑल थैंक्स टू दिस गेम। अगर ये गेम नहीं होता मुझे पता ही नहीं चलता कि मेरे पापा जिंदा है। तू भी अपने बाप की तरह है। रुक जा चुड़ैल, रुक जा। तो मैम बताइए, आपको जीत कर कैसा लग रहा है? आप ही पहली इंसान है जिसने 1 करोड़ प्राइज मनी का टास्क कंप्लीट किया है। सच बोलू तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, और ऑल थैंक्स टू माय मॉम एंड डैड। अरे बेटा तुम भी ना। लेकिन मैम एक क्वेश्चन पूछना था, आपके डैड तो आपके बगल में ही खड़े हैं, लेकिन आपकी मॉम कहाँ है? वो एक्चुअली उनको सिंपल लाइफ पसंद है, ऐसी हाई फाई वाली लाइफ नहीं पसंद है, इसीलिए वो हमेशा के लिए गाँव चली गई रहने के लिए। वाह मैम, आपकी मम्मी तो बहुत सिंपल है। पिंकी की बच्ची, मैं